नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज न्यूज पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता न सिर्फ की एक फिल्म अभिनेत्री हैं, बल्कि उन्होंने टीवी पर भी बहुत काम किया है। फिल्म डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है और वर्ष 1990 में वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्मफेयर का अवार्ड भी मिला था। वही नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जो आइकॉनिक हैं। वो छोकरी जिसके लिए अवार्ड मिला था वो तो आइकॉनिक थी ही। जाने भी तो यारों में उनका रोल बहुत पसंद किया गया था। उसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत सारी इन्होंने फिल्में की, वैसे बधाई हो, शुभ मंगल, सावधान, पंगा जैसी फिल्में अभी हाल फिलहाल में उन्हें मिली हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे ख्याल से उनका रिसर्जेंस हो रहा है। एक इंटरव्यू में ट्रेंड की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप अक्सर देखते हैं कि बड़ी उम्र के हीरो जो है वो हीरोइनों के साथ रोमांस करते नज़र आते हैं। मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं शाहरुख और ऋतिक के साथ रोमांस ज़रूर करना चाहूँगी। उनका कहना है कि जब ऋतिक शाहरुख अपने से 20-25 साल कम उम्र के एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर सकते हैं, तो वो अपने से 20-25 साल ज़्यादा उम्र के एक्ट्रेस के साथ भी रोमांस कर सकते हैं। उन्होंने ये बात हालांकि बहुत सीरियसली नहीं कही थी, लेकिन ये बात भी एक सोचने वाली बात है कि क्या इस प्रकार की लव स्टोरी भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कभी आ सकती हैं? क्या इस गंभीरता के साथ कभी लिया जा सकता है इस बात को कि एक कम उम्र का युवक जो है वो एक अधेड़ उम्र की युवती के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ाए? आपका क्या विचार है? क्या इस तरह की पेयरिंग आप देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप। और मैं आपको बताऊं कि सैनल चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत आवश्यक होता है हमारे लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।